हरिपुर गांव में जो तूफान आया था उसको बड़ी ही हिम्मत करके वैभव ने शांत कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वैभव के प्यार में कोई कमी थी, वो तो निर्मला को ही अपनी जिंदगी मान बैठा था। उसके जाने के बाद जब उसे पता चला कि उसकी आत्मा वैभव के लिए बेचैन है, तो वो सारी विद्या सीखने की कोशिश कर रहा था जिससे वो निर्मला से फिर से बात कर सके, उसे देख सके। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चई, ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चई, ओम त्र्यंबकम यजामहे। पर गांव वाले उसे गलत समझ के चलाने की कोशिश करते हैं। और फिर ये तूफान जिसे अभी वैभव ने शांत किया था, निर्मला अपने साथ हुए चुर्म का बदला लेना चाहती थी, पर वैभव का अंतःकरण उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। पुत्र, तुमने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तुमने गांव वालों का सोच कर जो किया वो बहुत अच्छा किया। गुरुदेव, पर मेरी निर्मला, उसका क्या? वो तो सोच रही होगी कि मैंने भी उसे धोखा दिया। हाँ, ये तो है। निर्मला इस वक्त से ऐसे रहते हुए दुष्ट आत्मा बन चुकी है। उसे बदले के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, और उस पर अब तुम ही काबू पा सकते हो। जी बाबा जी, पर अगर मेरी शक्तियां कम पड़ गई तो? मैं हूं ना पुत्र, यथासाध्य हम गांव वालों को बचाने की भी कोशिश करेंगे। बाबा जी वापस अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं, और वैभव अपनी कुटिया में जाकर निर्मला को याद करके रोने लगता है। गांव वाले अपनी बेटियों को लेकर घर आते हैं। अब गांव शांत था, सभी घर की बेटियां भी ठीक हो गई थी। सुनिए ना, 4 दिन हो गए हमारी शादी को, फिर तो पूरी जिंदगी गांव में ही रहना है, तो अभी हम कहीं घूम के आते हैं। अभी फसल काटना है और तुम्हें घूमने की पड़ी है, तो अभी शादी क्यों किया ऐसे समय में जब घुमा नहीं सकते तो? आरती मुंह फुलाकर बैठ जाती है। सागर उसे देखकर, अच्छा ठीक है बाबा, मैं अम्मा बाबूजी से बात करता हूँ। घर वालों की परमिशन लेकर वो टैक्सी लेकर निकल जाते हैं, पर थोड़ी दूर जाने के बाद के सामने एक साया आता है और ड्राइवर उससे बचने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और गाड़ी पलट जाती है और वो लोग मर जाते हैं। हरिया रोड के किनारे वाले खेत में फसल काट रहा होता है और वो ये सब देख रहा था। गांव वाले खट्टा होने लगते हैं धीरे धीरे। अभी नई नई शादी हुई थी बेचारे की, मर गए यार। अरे वो कहाँ थे हनीमून, वहीं पे तो जा रहे थे। आ गई वो वापस। अरे का बोल रहा जी हरिया, कौन आ गई वापस? हरिया पगला गया है, कुछ भी बोल रहा है। लड़की अपने पति का खाना लेकर खेत जाती रहती है अपने पति को देखकर। आइए खाना खा लीजिए। आ गई तुम, मैं सुबह जब खेत आता हूँ तब से बस तुम्हारे आने का इंतजार रहता है। अच्छा, उस छोटे से घर में वक्त ही कहाँ मिलता है तुम्हें जी भर के देखने का। 1 महीने पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब कौन खाना लाता था आपके लिए? माँ किसी तरह ले आती थी या किसी से भिजवा देती थी या कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। अब आगे से कभी आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तेज हवा चलने लगती है, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं और जिस पेड़ के नीचे पति पत्नी बैठे थे वो पेड़ उन पर गिर जाता है और वो वहीं मर जाते हैं। अगल बगल के खेत वाले लोग आ जाते हैं वहां और हाय हाय करने लगते हैं। अरे ये बेचारे, हाय रे, अभी 1 महीना ही हुआ था इनकी शादी का।
अरे कल रात मेरे पड़ोसी वाली विमला काकी का बेटा बहू भी मर गए। कैसे? उनके बेटे को करंट लगा, बहू बचाने गई, दोनों मर गए। कोई जोड़ा नहीं बचेगा इस गांव में, सब मरे जाएंगे एक के बाद एक। मैं कह रहा हूँ जल्दी कुछ करो वरना वो सब को मार डालेगी, सब मरेंगे। गांव वाले डरे सहमे से हरिया को घूरते रहते हैं। तू किसकी बात कर रहा है? वही जिसने पिछली बार सबकी बेटियों को अपने वश में कर लिया था। ए हरिया, तब पहले से ही डरे हुए हैं, ऐसी बात करके तू और मत डरा। और कितना लोग मरने का इंतजार करेंगे, वो किसी जोड़े को जीने नहीं देगी। एक उंगली की तरफ इशारा करता है। जब गांव वाले उधर देखते हैं तो वहां एक बहुत ही डरावना साया दूर खड़ा रहता है। वो लोग डर कर दौड़ते हुए बाबा जी की कुटिया तक भागते हैं। बाबा जी ध्यान करते रहते हैं। गांव वालों को आया देख वैभव बाबा जी की तंद्रा तुड़वाता है और उनके बीच बातचीत शुरू होती है। बाबा जी वो फिर से लौट आई है। कौन? वही निर्मला जिसने पिछली बार गांव की बेटियों के शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया था। बाबा जी 93 जोड़े मर गए हैं और हरिया कहता है कि सब जोड़े मर जाएंगे एक एक करके। मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो जाएगा? वैभव उस आत्मा को यहाँ बुलाने की तैयारी करो। जी बाबा जी। वैभव एक हवन कुंड में आग जलाता है, पूरी तैयारी करता है और मंत्रोच्चारण शुरू करता है। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चै। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै। ओम। बहुत तेज आंधी तूफान आता है और एक डरावना सा माहौल बन जाता है। कुछ समय बाद उस हवन कुंड पर काला धुआं इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे वो काले साए का रूप ले लेता है। कौन तुम? बताओ कौन तुम? बताओ। तुम धोखे बाजू, तुमने मुझे धोखा दिया था। ओ, तो तुम निर्मला हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम अब क्यों आई हो? मैं सारे गांव वालों को मारने आई हूँ, तुम्हें भी। मेरा जोड़ा पूरा नहीं हुआ तो मैं किसी जोड़े को जीने नहीं दूंगी। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा बदला पूरा हो जाएगा। कैसा बदला? इन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ जीने नहीं दिया। पिछली बार जब मैं दूसरे के शरीर को माध्यम बनाकर तुम्हें पाना चाह रही थी तब तुमने मुझे धोखा दिया। तुम सब धोखेबाज हो, मैं सबको मार डालूंगी। देख निर्मला, अब तेरा और मेरा मिलना संभव नहीं है, तू चली जा यहाँ से। मैं या तो पूरे गांव को मार डालूंगी या तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तू पक्का वैभव को लेकर चली जाएगी यहाँ से? हाँ, उसी को पाने के लिए तो मैं ये सब कर रही थी, पर उसने भी मुझे धोखा दिया। वैभव गांव वालों को बचाने के लिए तुझे धोखा दिया था, ऐसा करना नहीं चाहता था वो। इसलिए अब मैं वैभव को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, वरना सारे गांव वाले मरेंगे। ठीक है, अब तू अभी जा, मैं वैभव को समझा बुझा कर तेरे साथ भेज दूंगा, पर तू अब एक भी गांव वालों को नहीं मारेगी। ठीक है, मैं शाम में आऊंगी और वैभव को लेकर जाऊंगी। ठीक है। बाबा जी, मुझे सच में जाना होगा क्या? रुको, मुझे कुछ सोचने दो। अगर इसी में गांव की भलाई है तो चले जाओ वैभव, नहीं तो मासूम जोड़े मारे जाएंगे। तुम लोगों ने भी तो मासूम प्रेमी जोड़े को जलाकर मार दिया था। बाबा जी गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करेंगे हम सब। सभी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक होता है।
ठीक है बाबा जी, अगर गांव वालों की भलाई इसी में है तो मैं चला जाऊंगा। निर्मला आप बहुत बलवान हो गई है, मगर मुझसे ज्यादा नहीं। सुनो, जब वो शाम को आए तब तुम उसे बातों में उलझाना, तब मैं उसे तंत्र विद्या से बांधने की कोशिश करूंगा। सारे गांव वाले एकत्रित हैं। बाबा जी और वैभव हवन कुंड के पास बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। धीरे धीरे निर्मला आ जाती है कुंड के ऊपर। देख, मैं गांव वालों की खातिर तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, पर तुझे भी एक वादा करना होगा। अब तू लौट कर इस गांव में कभी नहीं आएगी। ठीक है। और ये कहकर वो वैभव के शरीर में घुसने की कोशिश करती है। तभी बाबा जी खड़े होकर अभिमंत्रण जल छींट देते हैं वैभव पर। अब निर्मला वैभव के शरीर को छोड़कर एक गांव वाले के शरीर में घुस जाती है। बैठे हरिया को मारने लगती है। हरिया पलटवार करता है तो दूसरे गांव वाले को लग जाता है। इस तरह से पूरे गांव वाले आपस में भिड़ जाते हैं और मार धाड़ होने लगता है। निर्मला रुक जा, क्यों गांव वालों को लड़वा रही आपस में? तुम लोगों ने एक बार फिर मेरे साथ धोखा किया। बाबा जी, मुझे जा रहा ही होगा। अब निर्मला के साथ मैं इससे ज्यादा अन्याय नहीं होने दूंगा। मुझे अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब तुम इस कुंड में आओ। पुत्र, मुझे माफ कर देना, अब ये मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया है। कोई बात नहीं बाबू जी, मुझे भी अपने प्यार को प्यार करने का एक मौका मिला है। आप गांव वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। वैभव खड़ा होता है और कुंड में चला जाता है और धीरे धीरे दोनों गायब हो जाते हैं। गांव वाले बाबूजी को प्रणाम करके वैभव का गुणगान करते हुए चले जाते हैं। खुशबू ने कुछ ही दिनों पहले कॉलेज ज्वाइन किया था। वो बेहद खूबसूरत थी। कॉलेज में हर कोई उसकी खूबसूरती पर कायल था। मैडम, कॉलेज में आते ही अपना जादू चला दिया, देख सबकी नजर तुझ पर ही है। खुशबू अपना फोन चेक करती है तो उसमें रोहित की रिक्वेस्ट आई होती है। खुशबू खुश होकर अपने दोस्तों के साथ शो ऑफ करने लगती है। गेस व्हाट, मुझे रोहित की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो बोलो क्या करूं, अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूं या थोड़ा तड़पने दूं उसे? क्या, रोहित की रिक्वेस्ट? तू तो बड़ी लकी है यार, बड़ा ही हैंडसम है वो तो। तभी उसकी सीनियर सोनिया वहां जाती है और रोहित का नाम सुनकर घबरा जाती है। क्या, तुझे रोहित की रिक्वेस्ट आई है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना, जितना हो सके उससे दूर ही रहना खुशबू। लेकिन क्यों? मेरी मानो खुशबू, रोहित को भूल जाओ, वरना जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। प्लीज मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। सोनिया वहाँ से चली जाती है। लोग भी ना कितने जलनखोर होते हैं। खुशबू सोनिया की बात को नजरअंदाज करके रोहित की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर बाद रोहित खुशबू के सामने जाता हुआ उसकी तरफ मुस्कुराता है और वो रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दूर से उन दोनों को कोई देख रहा होता है। खुशबू हॉस्टल के कमरे में रोहित से बातें कर रही होती है और तभी कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। उसी रात हॉस्टल में खुशबू के कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। खुशबू नींद से उठती है। अब इतनी रात कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा होता है। वो दरवाजा बंद करके फिर से सोने जा रही होती है कि उसके कान के पास आकर कोई उसका नाम पुकारता है। खुशबू। कौन है? वो आवाज सुनकर बुरी तरह डर जाती है। कमरे में चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं होता। अचानक उसके बाल उड़ने लगते हैं, मानो किसी ने उसके बालों में फूंक मारी हो। घबराकर दरवाजा खोलने के लिए भागती है। तभी एक लंबा हाथ उसकी तरफ बढ़ता है
और उसका पैर पकड़ लेता है जिससे वो गिर जाती है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है। कौन है वहाँ? देखो मुझसे मजाक मत करो, मैं कॉलेज में कंप्लेन कर दूंगी। उसके बाजुओं में अचानक से खरोंच के निशान आ जाते हैं। खुशबू दर्द से चीख उठती है, वो दर्द से करा रही होती है। तभी एक भयानक आत्मा उसके सामने आती है। खुशबू के उस आत्मा को देखकर होश उड़ जाते हैं। वो जमीन पर घिसट कर भागने की कोशिश करती है। तभी आत्मा अपने हाथ को लंबा करती है और खुशबू के बाल को पकड़कर ऊपर उसे उठाती है और उसे पूरी तरह मारती है। खुशबू दर्द में चिल्ला रही होती है पर हॉस्टल में किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना तुझे? अब मैं ये तेरा चेहरा ही खराब कर दूंगी जिससे रोहित तुझे नफरत करने लगे। वो आत्मा खुशबू के चेहरे को अपने बड़े नाखूनों से नोच देती है। खुशबू बेहोश हो जाती है। अगली सुबह नेहा और बाकी बच्चे और कॉलेज के हेडमास्टर वहां आ जाते हैं और उसे देखकर घबरा जाते हैं। खुशबू होश में आ जाती है पर वो पूरी तरह कांप रही होती है। उसकी आंखों से वो भयानक आत्मा का चेहरा नहीं जा रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैंने तो पहले ही कहा था रोहित से दूर रहने को, देखो क्या हो गया। नेहा खुशबू की ऐसी हालत देखकर गुस्से में रोहित के पास जाती है। क्या किया तुमने मेरी दोस्त के साथ? तुमसे ही उसने बात की थी ना रात को, मैं जानती हूँ उसी के बाद ये सब हुआ है। क्या खुशबू के साथ भी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। रोहित घबरा कर वहाँ से चला जाता है। नेहा सोनिया से जाकर पूछती है तो सोनिया उसे बताती है। आज से एक साल पहले रेवा नाम की एक लड़की ने कॉलेज ज्वाइन किया था। वह बड़ा ही अजीब सा व्यवहार करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। उसे अपने लुक्स को लेकर भी बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता था, हमेशा अपने को शीशे में देखकर गुस्सा हो जाती। एक दिन उसकी मुलाकात रोहित से हुई। वह रोहित को पसंद करने लगी पर रोहित तो उसे नोटिस भी नहीं करता था। एक दिन हिम्मत करके उसने रोहित को अपने दिल की बात बताई तो रोहित ने सबके सामने उसे मना कर दिया। आशा से प्यार करता हूँ, सॉरी। रेवा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद की कलाई काट लेती है। अगले दिन उसकी लाश के साथ दीवार पर खून से लिखा होता है कि रोहित सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसी रात रेवा ने अपना पहला शिकार आशा को बनाया। उसके दरवाजे पर भी रेवा ने दस्तक दी। कौन है दरवाजे पर? लगता है रोहित है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, खून में लिपटी रेवा उसके सामने खड़ी थी। आशा के रेवा की आत्मा को देखकर होश उड़ गए। कौन हो तुम? मेरे रोहित को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। आत्मा आशा का सर दीवार से पटकती है और उसे घसीटते हुए छत पर ले जाती है। आशा आत्मा की डर से अपने आप ही छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। जब से रोहित से जो भी लड़की प्यार करती है, रेवा या तो उसे मार डालती है या फिर उसका खुशबू जैसा हाल कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आत्मा ऐसे ही सबकी जान लेती रहेगी। सोनिया, क्या रेवा को मुक्त करने का कोई उपाय नहीं है? मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं वेद जी, बड़े ही ज्ञानी हैं। उन्होंने एक उपाय बताया था कि रेवा की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, पर उसके लिए उसे बुलाना जरूरी है। पर इसके लिए कौन अपनी जान खतरे में डालना चाहेगा, इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है। मैं बुलाऊंगी रेवा की आत्मा को, मैं अपनी दोस्त खुशबू का बदला लूंगी। तुम मुझे वो उपाय बताओ सोनिया। हमें उस आत्मा को अपने जाल में फंसाना होगा और किसी तरह रोहित को ही उसके गले में मंत्र माला डालनी होगी, तभी उसे मुक्ति मिल पाएगी। पर क्या रोहित इस बात के लिए तैयार होगा?
मैं अभी उससे बात करती हूँ, वो जरूर मेरी बात समझेगा। नेहा रोहित को फोन पर सब समझाती है। मैं तैयार हूँ नेहा, तुम बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। नेहा वेद जी से मंत्र माला लेने जाती है। याद रखना बेटी, इस रोहित को ही ये माला उस आत्मा के गले में पहनानी होगी, तभी उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। और हाँ, आज तुम लोग कामयाब नहीं हुए तो फिर उस आत्मा की शक्तियां और बढ़ जाएंगी और कोई भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन कॉलेज में नेहा रोहित से प्यार भरी बातें कर रही होती है और रेवा की आत्मा गुस्से से उसे देख रही होती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रात का वक्त है, नेहा रात में अपने कमरे में जाती है और रेवा का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके सामने वाली खिड़की टूट जाती है और रेवा की आत्मा नेहा के सामने आ जाती है और आत्मा गुस्से से तिलमिलाई होती है। उसकी लाल आंखों से खून टपक रहा होता है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रोहित के करीब जाएगी, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि कॉलेज की कोई भी लड़की रोहित के पास नहीं बढ़ेगी। आत्मा अपना विकराल रूप ले लेती है। नेहा उससे बचकर कमरे से भागती है पर वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। नेहा का दम घुटने लगता है। नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी, जो भी मेरे और रोहित के बीच आएगा सबको मार डालूंगी। लेकिन तभी पर्दे के पीछे छुपा रोहित बाहर निकलता है और रेवा के गले में मंत्र माला डाल देता है और वो आत्मा चीखती हुई भस्म हो जाती है। थैंक यू रोहित, तुम्हारे कारण रेवा को मुक्ति मिली है। तुमने हिम्मत ना दी होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। तुमने मुझे भी रेवा से मुक्ति दिलाई है। रेवा की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और कॉलेज और रोहित को आजादी मिल जाती है। एक दिन सुधीर अपनी पत्नी शांता को लेकर गांव से शहर जा रहा था, लेकिन उनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है। तभी मौसम भी खराब हो जाता है और जोर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण उन्हें देरी हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। यार इस गाड़ी को भी अभी बंद होना था, ऊपर से ये बारिश। अब इस टाइम गाड़ी ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। सुनिए जी, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें कहीं रुकना चाहिए। इतनी रात हम कहाँ जा सकते हैं, चारों ओर अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कहते हुए सुधीर आसपास नजर घुमाता है, तभी उसे दूर एक घर में रोशनी जलते हुए दिखती है। शांता, वो देखो, वहां एक घर दिख रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। अंधेरे में यहां रुकना सुरक्षित नहीं है, शायद हमें वहां कुछ मदद भी मिल सकती है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। और दोनों उस घर की तरफ चले जाते हैं। वे पास जाकर देखते हैं तो वो एक बड़ा बंगला हो जाता है। सुधीर घर की कुंडी खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। मुझे लगता है अंदर सब लोग सो रहे होंगे, हमें यही बाहर रुकना चाहिए। और तभी बहुत जोर की हवा आती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सुधीर शांता को लेकर घर के अंदर जाता है। अंदर बहुत अंधेरा होता है और चारों तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले और चमगादड़ लटके होते हैं। ऐसे घर को देख शांता कहती है, मुझे ये घर बहुत डरावना लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सालों से यहाँ किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा हो। नहीं शांता, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है और हमें थोड़ी जिंदगी भर यहाँ रहना है, जब सुबह हो जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वे दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक बूढ़ी औरत हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आती है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। यहाँ मैं रहती हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह घर काफी बड़ा है इसलिए ऐसा है। मुझे लगता है
तुम लोग किसी मुसीबत में फंसे हो, इसलिए यहाँ आए हो। तुम लोग काफी भीग गए हो, जाओ ऊपर कमरा है, अपने कपड़े बदल लो। और दोनों ऊपर की कमरे में चले जाते हैं। फिर बूढ़ी डायन उन्हें थोड़ी देर में कपड़े लाकर देती है। कपड़े देखकर सुधीर बूढ़ी डायन से पूछता है, आपके पास ये कपड़े कहाँ से आए? आप तो अकेली रहती हो। यह सब मेरे बहु बेटे के कपड़े हैं। अभी वो यहाँ नहीं रहते हैं। तुम कपड़े बदल लो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। ये कहकर डायन वहाँ से चली जाती है। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बूढ़ी डायन हमारे साथ कुछ करेगी तो नहीं ना? नहीं, वो कुछ नहीं करेगी। उसने तो हमारी मदद की है। कुछ डायन अच्छी भी होती हैं। सुधीर और शांता कपड़े बदलकर बेड पर सो जाते हैं। जब सुधीर सुबह जाने के लिए उठता है तो वो शांता का शरीर गर्म देखता है। वो शांता से कहता है, शांता तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं किसी डॉक्टर को लेकर आता हूं। तभी वहां बूढ़ी डायन आ जाती है और कहती है, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में जड़ी बूटी है, मैं इसे दे दूंगी तो ये ठीक हो जाएगी। नहीं, इसे डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा, नहीं तो बुखार और भी बढ़ सकता है। मैंने कहा ना, जड़ी बूटी से बुखार सही हो जाएगा। ये कहकर डायन वहां से चली जाती है और थोड़ी देर में हाथ में दवाई लेकर आती है और शांता को देती है। इसे ले लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अम्मा जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हम पराए लोगों को यहाँ आसरा दिया और हमारी इतनी मदद कर रही हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो जरूर बताइए। ठीक है बेटा, जरूर बताऊंगी। और शांता भी आराम करती है। थोड़ी देर बाद शांता का बुखार चला जाता है और दोनों जाने के लिए निकलते हैं। सुधीर शांता से कहता है, तुम्हें जाकर अम्मा जी का शुक्रिया करना चाहिए। और शांता बूढ़ी डायन को देखने पूरे बंगले में घूमती है और उसे कमरे में बूढ़ी डायन रोते हुए दिखाई देती है। क्या क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? उसके हाथों में उसके लड़के की तस्वीर होती है। तभी सुधीर भी वहां आ जाता है और उससे कहता है, अम्मा आपकी परेशानी हमें जरूर बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। यह मेरा बेटा रोशन है, विदेश में पढ़ने के लिए गया था। एक दिन अपनी बीवी के साथ आया और बोला कि मैं अपनी बीवी के साथ विदेश में रहना चाहता हूँ। अब मैं उस देश का नागरिक हूँ, तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, कभी कभार यहाँ आया करूंगा। मैं अकेली बूढ़ी उसके सहारे पे थी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन चला गया। उसने कुछ दिनों तक पैसे भेजे, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। मैं बहुत बीमार हो गई, चल भी नहीं पाती थी, हॉस्पिटल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और चक्कर आने के कारण सीढ़ियों से नीचे गिर गई और मेरी मृत्यु हो गई। तब से इस बंगले में अकेली भटक रही हूँ। उसे मिलने के लिए मैं सालों से ही इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। तुम लोग आए तो मुझे लगा मेरा बेटा ही आया, लेकिन तुम लोग भी जा रहे हो। आप रोइए मत, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं आपके बेटे को यहाँ लेकर आऊंगा और जब तक वो नहीं आता तब तक हम आपके साथ रहेंगे, आपके बहु बेटे बनकर। और पूरा घर रोशनी से फैल जाता है। दूसरे दिन सुधीर बूढ़ी डायन से कहता है, क्या आपके पास रोशन का फोन नंबर और एड्रेस है? नहीं बेटा, मेरे पास उसका ना फोन नंबर है ना एड्रेस है, वो तो सिर्फ मुझे बैंक में पैसे भेजता था। आप मुझे अपने बैंक का खाता बुक दीजिए, मैं जाकर पता लगाता हूँ।
बूढ़ी डायन सुधीर को खाता बुक देती है और वहां से सुधीर चला जाता है। सुधीर अपनी गाड़ी चालू करके देखता है तो गाड़ी चालू हो जाती है और वो समझ जाता है कि सब बूढ़ी डायन ने किया है। अपनी गाड़ी को लेकर सुधीर बैंक में जाता है। वहां से उसे डायन के बेटे का एड्रेस और फोन नंबर मिल जाता है। सुधीर फोन लगाकर बूढ़ी डायन के बेटे से कहता है, हेलो, मैं बीजापुर गांव का जमींदार सुधीर बोल रहा हूँ, आपका बंगला मुझे खरीदना है। नहीं, मेरा कोई बंगला नहीं है, तुमने शायद कोई गलत नंबर लगाया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बंगले की बात कर रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी माँ रहती थी। उनके देहांत के बाद वो बंगला खाली पड़ा है, मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा। बंगले की बात सुनकर रोशन लालच में आ जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। वाह वाह वाह, अब तो मैं बाला माल होने वाला हूँ। ये कहकर सुधीर घर आ जाता है और बूढ़ी डायन से कहता है, मैंने आपके बेटे से बात की है और अगले हफ्ते वो यहाँ आ रहा है। और अगले हफ्ते रोशन वहां आ जाता है। दरवाजा खुला देखकर रोशन कहता है, कोई है, कोई है? और बूढ़ी डायन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और वहां सुधीर भी आ जाता है। तुम रोशन हो ना? हाँ मैं रोशन हूँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सुधीर हूँ, मैंने तुम्हें फोन लगाया था, आओ ऊपर चलकर बैठते हैं। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, इस घर को बेचने के लिए आया हूँ, जल्दी करो मुझे कल फिर से निकलना है। ये सुनकर बूढ़ी डायन गुस्सा हो जाती है और शांता के शरीर में घुस जाती है। कितना नालायक है तू, एक बार भी नहीं पूछा अपनी माँ जिंदा है क्या मर गई, और उसके पीछे उसका घर बेचकर खाना चाहता है। पैसों के खातिर तुमने जन्म देने वाली माँ को भुला दिया। और डायन उसे दो चार थप्पड़ मार देती है। मैं यहाँ इतने सालों से तुम्हें मिलने के इंतजार में भटक रही हूँ, तुम कभी माँ का प्यार समझ नहीं पाए। मुझे मुझे माफ कर दो माँ, मैं पैसों के पीछे बहुत अंधा हो गया था और उसी के पाने के चक्कर में मैंने तुम्हें खो दिया। मेरे सामने आओ माँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं इस घर में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और बूढ़ी डायन शांता से बाहर आ जाती है और रोशन को दिखाई देती है और रोशन अपनी माँ के गले मिलकर बहुत रोता है। बूढ़ी डायन भी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सुधीर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। बूढ़ी डायन गायब हो जाती है और सुधीर शांता को लेकर वहां से चला जाता है। और कुछ दिनों में रोशन अपने परिवार को लेकर वहां रहने के लिए आ जाता है।